बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ मटन पुलाव और किस तरह बनाना है। तो हम उसके लिए मैंने सबसे पहले उसके लिए मैंने मटन लिया है 600 ग्राम है विद बोन्स, और मैं उसमें सॉस पैन में इसको प्रेशर कुकर में इसमें डाल रही हूँ। और ये एक लहसुन की जो पूरी पोती होती है ये मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है और वॉश कर लिया, और इसमें ये ऐड कर दूंगी। और ये मैंने अदरक के दो टुकड़े इस तरह ले लिए, तो पील ऑफ कर लीजिएगा। और ये मैंने कोरिएंडर, साबुत धनिया, क्यूमिन सीड्स, जीरा जो है ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून लिया है, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और मैंने सौंफ जो है ये 1/2 टीस्पून लिए, और ये सिनेमन स्टिक है, और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, और ये एक लाल मिर्च और 2 लौंगे हैं, और ये सब मैंने मसाला मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो वो बहुत अच्छा है, आप उसमें भी इस तरह एक पोटली सी बना के डाल दीजिएगा। सिनेमन स्टिक इसमें डाल दी, और अनियन के हम 4 स्लाइसेस कर लेंगे, छोटी अनियन है। और ये मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, मैं हल्दी पील ऑफ करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हल्दी का देखिए मैंने इतना टुकड़ा लिया था और मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है, और मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसको सेंटर में रख दीजिएगा, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 कप और पानी ऐड करके जब तक अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 30-40 मिनट के लिए, हम प्रेशर नहीं दे रहे इसमें। और इन द मीन टाइम हम प्याज डाल कर लेंगे, मैं आप लोगों को लहसुन अदरक छील लेंगे तो आप लोगों को दिखाती हूँ बाद में। अभी देखिए तकरीबन 30-40 मिनट्स हो गए थे, सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए और मीट भी गल गया है, मैं आपको वो भी चेक करा देती हूँ। देखिए तक गोश्त गल गया गला था, तो हमने इन द मीन टाइम 3 अदद प्याज मीडियम साइज की हमने इसको फ्राई करके, और इसका जो एक्सेस ऑयल था सब हमने रिमूव कर दिया, और अब इसमें ऑयल नहीं है। अब हम इसमें सबसे पहले ये गरम मसाला डालेंगे, इसमें ये है सौंफ है, इसको हमने रोस्ट कर लिया था, और ये जीरा, क्यूमिन सीड्स हमने इसको भी रोस्ट कर लिया, और ये रेड चिली है, और ये दालचीनी है, काली मिर्चें हैं 10 से 15 अदद, और ये बड़ी इलायची है, और ये बे लीव्स है, और ये लौंग 3 अदद, इसको हम डाल देते हैं। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, पहले जिंजर गार्लिक डाल देते हैं, हमने इसको प्रेस कर दिया था हल्का सा ना, और इसमें जिंजर जो है थोड़ी सी डालेंगे, अभी 1 इंच का टुकड़ा है, 2 लिए थे हमने,
और ये टमाटर डाल देंगे एक अदद, और ये आलू जो है हम इसको हमने धो लिए थे, हम इसको सिर्फ दो से तीन स्लाइसेस में कर लेंगे। और ये दो ग्रीन चिली है बड़ी वाली, ये ऐड कर दिया हमने इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा ये हम चिकन की जो ये वो मटन जो है हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं, सॉरी हमने जिंजर अलग हटा दी। अब इसमें थोड़ा सा पानी अभी ऐड करेंगे ताकि इसको मिक्सअप ये यखनी जाए, ये स्टॉक ये थोड़ा सा ऐड करें ताकि हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे दही डाल के, दही 2 खाने के चम्मच डाल के मैं इसको कवर कर दूंगी। इसको मिक्स करके अभी हमने नमक नहीं डाला है इसमें ना, सॉल्ट डालना है हमें अभी, सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये तकरीबन देखें 8 से 10 मिनट हो गए थे। अब हम इसमें ये कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबल स्पून खाने का, भून के पीस लिया था इसको, ये ऐड कर दिया हमने इसमें। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा प्लीज। इसको मिक्स करके अब हम इसमें ये राइस जो थे, मैंने 250 ग्राम राइस लिए थे, मैंने इसको वॉश करके और सोक करके रख दिया था, अब ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें लाया गया सामान में भी इसको सब डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी ये 250 नहीं 300 ग्राम से ज्यादा ही है चावल ना, मैंने कहा मैं बता दूं। अब इसको इतना पकाएंगे कि पहले इसका पानी थोड़ा सा हो जाए, फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। चलिए मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए हमने दम पे रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए।
चूल्हा भी ऑफ कर दिया। अब हम इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तैयार हो गया है, मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ। ये बगैर ऑयल के बना है, कोशिश कीजिए बगैर ऑयल के बनाए। ये बहुत मजे का बना है और बहुत अच्छा बना है। और प्लीज आप लोग ये ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा ये कैसा बना है। और इस दुआ के साथ खत्म करती हूँ कि या अल्लाह पाक, जो जो भी हमारे मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं, उन सबके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा दे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय।